देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, प्राइम टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। शुरुआत करते हैं खबरों की। यूपी विधानसभा के बजट सत्र का मंगलवार को दूसरा दिन है। आज सदन में राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा होगी। इस दौरान भी हंगामा होने की पूरी संभावना है। मंगलवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सदन में मौजूद रहेंगे। साथ ही राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में जो सरकार की उपलब्धियां बताई हैं, सीएम भी उन्हीं पर विस्तार से जानकारी दे सकते हैं। आपको बता दें कि बीते दिनों सत्र के पहले दिन समाजवादी पार्टी के विधायकों ने राज्यपाल के अभिभाषण के दौरान कानून व्यवस्था, रोजगार जैसे सवालों को लेकर जमकर हंगामा किया था। इसके बाद बजट सत्र को स्थगित कर दिया गया था। पहले दिन की कार्यवाही राज्यपाल के अभिभाषण से शुरू हुई थी। इसके बाद पूर्व सदस्यों के हुए देहांत पर श्रद्धांजलि दी गई। इसके बाद सपा विधायकों के हंगामे करने के कारण विधानसभा की कार्यवाही मंगलवार 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई थी। आज सदन की कार्यवाही का दूसरा दिन है, जो कि काफी हंगामेदार रहने की उम्मीद है। तो सरकार तैयार है, हंगामे के आसार है। यूपी विधानसभा के बजट सत्र का आज दूसरा दिन है। कल पहला दिन था यूपी विधानसभा के बजट सत्र का, जो काफी हंगामेदार रहा। हंगामेदार शुरुआत रही यूपी विधानसभा के बजट सत्र की। ये योगी सरकार का दूसरा कार्यकाल का पहला बजट है और काफी अहम भी माना जा रहा है। और 26 तारीख को बजट पेश किया जाएगा। सदन की कार्यवाही का पहला दिन ही काफी हंगामेदार रहा। आपको बता दें कि कार्यवाही से पहले ही सपा विधायकों और कार्यकर्ताओं ने विधानसभा के बाहर काफी जमकर नारेबाजी की, महंगाई और बेरोजगारी जैसे मुद्दों को उठाया। सदन में भी पूरे समय 1 घंटे तक राज्यपाल का अभिभाषण चला और 1 घंटे तक वो हंगामा करते ही रहे। गवर्नर गो बैक के नारे लगाते हुए नजर आए विधायक सपा के, और साथ ही साथ बेरोजगारी, रोजगार के मुद्दे पर भी नाराजगी जाहिर करते हुए नजर आए। तस्वीरों में देख सकते हैं आप किस तरह से तख्तियां लेकर पहुंचे थे विधानसभा। काफी हंगामा किया गया। राज्यपाल ने अपनी सरकार के कार्यकाल में जो भी उपलब्धियां हासिल की हैं, जो भी काम किए गए हैं, उनका ब्यौरा दिया। पूरा ब्यौरा देते हुए नजर आए कि विकास से लेकर स्वास्थ्य, रोजगार तमाम क्षेत्रों में कितना काम किया गया है। आज धन्यवाद प्रस्ताव पेश किया जाएगा। काफी हंगामेदार रहने के आसार हैं। आज भी विधानसभा के सत्र को 6 दिन के लिए आयोजित किया गया है, विधानसभा का सत्र। तो सदन की कार्यवाही का आज दूसरा दिन है, अहम दिन है और तैयारी में है सरकार। आज अपने काम को जो भी पिछले 5 सालों में किया और दूसरे कार्यकाल के शुरू होने से किया है, उसके बारे में जानकारी देते हुए नजर आ सकते हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। इस खबर पर हमारे ज्यादा बातचीत के लिए संवाददाता विभांशु जुड़ चुके हैं। विभांशु, आज सदन की कार्यवाही का दूसरा दिन है, क्या दूसरे दिन में किसी चीज पर चर्चा संभव हो पाएगी या फिर ये भी हंगामे की भेंट ही चढ़ेगा? कल 18वीं विधानसभा का, योगी सरकार का दूसरे कार्यकाल का पहला बजट सत्र कल था। इसमें कल आपने देखा कि राज्यपाल महोदया के अभिभाषण के बाद जो विपक्ष था, समाजवादी पार्टी गठबंधन, उसकी तरफ से तमाम नारेबाजी की गई, जिसमें रोजगार, शिक्षा, चिकित्सा एवं कानून व्यवस्था को लेकर कहीं ना कहीं उन्होंने सवाल खड़ा किया, जिसके बाद आज 11 बजे तक की जो विधानसभा की सत्र, उसको स्थगित कर दिया गया। ठीक 11 बजे आज फिर सत्र की शुरुआत। वही आपको बताया कि आज माना यह जा रहा है कि जो तमाम बिले जो है वो अधिक कई समय से अटकी हुई है, उसको भी पारित करने की बात कही जाएगी। साथ ही जो समस्याएं हैं, साथ ही साथ आप सरकार की तरफ से जो तमाम विभाग होंगे उसमें जो 100 दिन का कार्यकाल है, जो उसकी तरफ से खाका तैयार करके काम करने की बात कही जा रही है, उसमें भी चर्चा की जाएगी। और उसमें वही आपको बताया कि कुछ जो पिछली सरकार में जो काम किए गए हैं, उन विषयों पर भी चर्चा की जाएगी। और चर्चा के दौरान पक्ष और विपक्ष के बीच जो प्रश्नकाल का दौर होता है वो भी देखने को मिलेगा। मगर अगर देखें तो आज जो विधानसभा के सत्र का दूसरा दिन है और 26 तारीख को बजट पेश होना है, तो कल के आपने सत्र के दौरान देखा कि नेता प्रतिपक्ष के तौर पर अखिलेश यादव की मौजूदगी में उनके गठबंधन के 125 विधायक सदन में सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे। तो अटकलें लगाई जा रही है कि कहीं ना कहीं जो समाजवादी पार्टी एक मजबूत विपक्ष बन के उभरी है इस बार, तो कहीं ना कहीं सदन के अंदर में सरकार के खिलाफ हल्ला बोलते हुए नजर आएगी। जी,
जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए तमाम जानकारी के लिए। इस खबर पर हमारे साथ संवाददाता विभाषु जुड़े थे। तो हंगामेदार रहने की आज भी संभावना है सदन की कार्यवाही की, और बजट पेश किया जाएगा 26 तारीख को, और उससे पहले इसी तरह से जो भी मुद्दे उठाए जाएंगे या फिर अलग अलग मुद्दों को लेते हुए हंगामा कर सकते हैं सपा। रुक करते हैं अगली खबर का। ज्ञानवापी मस्जिद विवाद के लिए आज का दिन बेहद अहम है। वाराणसी की जिला अदालत अपना फैसला सुनाने वाली है, जिसमें ये तय होगा कि केस की सुनवाई किस दिशा में आगे बढ़ाई जाए और सबसे पहले कौन सी याचिका पर सुनवाई की जाए। सोमवार को हुई सुनवाई में हिंदू पक्ष और मुस्लिम पक्ष ने अपनी अपनी दलील दी थी। हिंदू पक्ष ने मांग की है कि पहले कमीशन की रिपोर्ट के आधार पर सुनवाई आगे बढ़ाई जाए, साथ ही ज्ञानवापी में मिले शिवलिंग की फोटो और वीडियोग्राफी देखी जाए। जबकि जानकारी के मुताबिक मुस्लिम पक्ष का कहना है कि मामले की सुनवाई आदेश 7 के नियम 11 के तहत होनी चाहिए, साथ ही सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक याचिका को प्राथमिकता दी जाए। उन्होंने ये भी कहा कि ये केस सुनने लायक नहीं है, क्योंकि जिस तरह से अभी तक की कार्यवाही की जा रही है और सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई पर फैसला देने से रोक लगा दी थी और सुनवाई हो सकती थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने 8 हफ्ते का वक्त दिया है। 8 हफ्ते में जिला कोर्ट को फैसला सुनाना है इस मामले में, और इस मामले को लेकर अब 8 हफ्ते का समय मिला है जिला कोर्ट को। जहां पहले दिन कल सुनवाई हुई, हिंदू और मुस्लिम दोनों पक्षों ने अपना पक्ष रखा, अपनी दलीलें पेश करी, काफी देर तक बहस होती रही, और उसके बाद आज फैसला सुना सकती है जिला कोर्ट। और इस खबर पर हमारे साथ ज्यादा बातचीत के लिए संवाददाता तो विभांशु जुड़ चुके हैं। विभांशु, आज अहम फैसला आ सकता है, आगे किस तरह से प्रक्रिया बढ़ाई जाएगी, सुनवाई किस ओर बढ़ेगी, इसके ऊपर फैसला आ सकता है। 7 मांगे रखी गई हैं दोनों पक्ष की तरफ से, हिंदू पक्ष की तरफ से 5, मुस्लिम पक्ष की तरफ से 2, तो इन मांगों को देखते हुए क्या लगता है? जी शिखा, आपको बता दें, ज्ञानवापी मस्जिद जो मामला है वो सुप्रीम कोर्ट के ट्रांसफर के बाद अब बनारसी जिला कोर्ट में इसका फैसला होना है। आपको बताया कि कल फैसले का पहला दिन था और आज के लिए सुनवाई टाल दी गई है। आज सुनवाई शुरू होगी, जहां हिंदू पक्ष की तरफ से गौरी श्रृंगार जो मंदिर है उसको खुलवाने और पूजा कराने के साथ साथ जो वीडियोग्राफी हुई है उसमें और उनकी तरफ से ब्रॉड तरीके से और विस्तृत तरीके से वीडियोग्राफी की मांग की जा रही है। तो वही मुस्लिम पक्ष की तरफ से कहा यह जा रहा है कि प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट के तहत इस मामले की सुनवाई ना हो, इसे खारिज खारिज कर दिया जाए, ऐसा मुस्लिम पक्ष के वकील का कहना है। वहीं आपको बताया कि अब सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में ये जिला अदालत बनारस के अंदर फैसले हो रहे हैं, और आपको बताया कि जुलाई के दूसरे सप्ताह तक इसे समय दिया गया है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, और वाराणसी कोर्ट को ये कह के दलील दिया गया है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कि आपको 25 साल का तजुर्बा है इस केस के अंदर में, तो आप इसको हर एक पन्नों के इतिहास को पन्नों को खंगालिए और विटनेस को देखिए और इस पे पूरी जो पारदर्शिता के साथ आप इस केस को हैंडल करें। तो उसके बाद आपको बताया कि वाराणसी कोर्ट पे आज सुनवाई का दूसरा दिन है, तो दोनों पक्षों की उम्मीदें ये है कि फैसला हमारे पक्ष में आए, मगर देखने वाली बात ये होगी शिखा की जो अदालत है वो हर एक पहलुओं को देखेगा और पूरे पारदर्शिता के साथ फैसले को सुनाएगा। जहां मुस्लिम पक्ष की तरफ से दलील दी जा रही है कि ये जो मामला है ये यहाँ पे 350 साल पहले से नवाज पढ़ी जा रही है, और वही हिंदू पक्ष का मामला है कि यहाँ गौरी श्रृंगार मंदिर था, साथ ही साथ वहां नंदी महाराज की मूर्ति थी और मूर्ति वही होती है जहाँ शिव जी विराजमान होते हैं। तो हम सभी चीजों को देख कर ऐतिहासिक किताबों को भी विटनेस बनाया गया है, इसमें बनारस के ऐसे कई सारे प्राचीन तस्वीरें हैं, उन सब तस्वीरों को भी सबूत के तौर पर रखकर और जो जिला अदालत बनारस है उसके माननीय जज आज फैसला सुनाएंगे। अब देखने वाली बात होगी कि फैसला किस तरह किस पक्ष में जाता है। जी शिखा, विभांशु, नंदी के सामने की जो दीवार है उसको गिराकर आगे की जांच करने की मांग भी कर रहा है हिंदू पक्ष, तो क्या ये संभव है? क्या कुछ तोड़फोड़ करने की इजाजत मिल सकती है कोर्ट की तरफ से साक्ष्य जुटाने के लिए? जी शिखा, आपने देखा कि विगत दिनों 3 दिन के सर्वे हुए जिसमें आपको बताया कि तमाम पहलुओं को वीडियो रिकॉर्ड किया गया हाईटेक कैमरों से,
जी तो उन सब जो विटनेस है, वीडियो विटनेस है, साथ ही साथ किताब है और प्राचीन समय के ऐसे कई सारे दस्तावेज है जिसको खंगाल लिए है। उसी क्रम में जहाँ हिंदू पक्ष की तरफ से कहा जा रहा है कि जो नव निर्मित दीवार है बाबरी आपके ज्ञानवापी मस्जिद का, उस मस्जिद के जो अंदर दीवार है उसका भी जांच किया जाए, साथ ही साथ वो किस मटेरियल से बना है उस मटेरियल से पता लगाया जा सकता है कि ये किस तदीन बना है। तो हिंदू पक्ष की तरफ से कहा जा रहा है कि नंदी महाराज के ठीक सामने जो दीवार है उसके ऊपर जो लेप लगाई गई है उसको हटाकर और प्राचीन दीवार को भी चेक किया जाए जिससे ये जाना जा सके कि ये मस्जिद है या मंदिर। मगर देखने वाली बात होगी कि ये कोर्ट का विषय है कि कोर्ट किस तरह से तय करता है और कोर्ट क्या निर्णय लेता है। उसके पास तमाम दस्तावेज है, दोनों पक्षों की तरफ से तमाम दस्तावेज और वीडियो प्रूफ दिए गए हैं। देखने वाली बात ये होगी कि अब फैसला किस तरफ का आता है। वही अगर शांति व्यवस्था की बात करें तो बनारस के अंदर में शांति व्यवस्था को कायम करने के लिए सीआरपीएफ की टुकड़ी को लगाया गया है, साथ ही साथ ज्ञानवापी मस्जिद में वजू जो है वजू खाने को भी बंद किया गया है। साथ ही आपके बाबा विश्वनाथ के समीप जो ज्ञानवापी का गेट है वहां पे फोर्स को डिप्लॉय किया गया है। और अगर बात करें वहां स्थानीय नागरिकों की तो ज्ञानवापी मस्जिद परिषद का जो मामला है ये जहां इस वक्त टूट पड़ता जा रहा है तो इसका सीधा असर कहीं ना कहीं सैलानियों पे पड़ता है। विभांशु, जिस तरह से ज्ञानवापी का मुद्दा उठा है अब इस पे सुनवाई हो रही है, धीरे धीरे करके मथुरा समेत कई अन्य ऐसे स्थान है जहाँ पे अब मांग हो रही है कि यहाँ की भी सुनवाई हो। जिस तरह से फैसला अटका हुआ है, लोगों की मांग है उस पे भी याचिका डालने के प्रयास करा जा रहा है और कहा जा रहा है कि इस धार्मिक स्थल पे पहले मंदिर हुआ करता था, राजा का महल हुआ करता था, इस तरीके के मामले भी सामने आ रहे हैं। इसको किस तरह से देखते हैं? जी बेशक, हम देखें तो 1992 में जब केस ऑफ वर्शिप आता है उसके बाद कहा ही जाता है कि बाबरी मस्जिद को हटाकर और जहां भी अगर देखे मस्जिद है वहां पे जो वर्शिप का पूरा हक है पूजा अपने पूजा पद्धति से नवाज या जिस धर्म का है वो वहां अपनी इबादत कर सकता है। उसी क्रम में आपको बताया कि जब 1992 बाबरी विध्वंस होता है तो उस समय एक नारा बहुत प्रचलित होता है कि अयोध्या अभी झांकी है और मथुरा काशी बाकी है। तो कहीं ना कहीं जो देखा जाए तो जो ये नारे लगाए गए थे उसी क्रम में अब याचिकाकर्ता भी कोर्ट का दरवाजा खटखटा रहे हैं और जवाब मांग रहे हैं कि क्या वाकई में ये मस्जिद है या मंदिर। तो अब देखने वाली बात ये होगी कि ये कोर्ट का विषय है और कोर्ट इसका फैसला लेगा, कोर्ट के पास सबूत जाएंगे, दोनों पक्ष जाएगा। अब कोर्ट को ये तय करना है। लेकिन कहीं ना कहीं जो हिंदू आस्था है वो 1992 के बाद एकाएक देखे तो धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है और आने वाले अगर बात करें तो 2019 के बाद से याचिकाकर्ताओं की एक देखे तो हर एक मामलों में चाहे बात की जाए अयोध्या मथुरा मंदिर की, चाहे बात की जाए आपके बनारस के मंदिर की, इन सभी जगहों पे श्रद्धालु जाकर याचिका डाल रहे हैं और पूजा करने की अपनी जो आस्था के लिए पूजा करने की अनुमति है उसको कोर्ट से मांगते हुए नजर आ रहा है। जैसे जी विभांशु, 8 हफ्ते का समय दिया है सुप्रीम कोर्ट ने जिला कोर्ट को, अगर जिला कोर्ट 8 हफ्ते में इस पे फैसला नहीं सुना पाता है तो क्या सुप्रीम कोर्ट इसमें हस्तक्षेप करके फैसला सुना सकता है? जी बेशक, आपको बताएं कि जहां लाइव लॉ की तरफ से जो जानकारी दी गई है उसमें साफ तौर पे निर्देश किया गया है कि आने वाले जो जुलाई के पहले दूसरे सप्ताह है उसमें फैसले आ जाने चाहिए, ऐसा सुप्रीम कोर्ट का गाइडलाइन है। अब इन तमाम जो गाइडलाइन है इसको फॉलो करते हुए और सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में बनारस जो हाई कोर्ट है उसकी तरफ से फैसला देने का काम किया जा रहा है। तो बनारस माफ करिएगा, बनारस की जो निजी अदालत है जो वहां का डिस्ट्रिक्ट अदालत है उसकी तरफ से फैसला दिया जा रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट की पूरी निगरानी में इस फैसले को रखा गया है और हर एक पहलुओं को पूरी मॉनिटरिंग करेगी सुप्रीम कोर्ट। और माना यह जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट जो कि देश का सर्वोपरि कोर्ट है और उसके निर्देश को जो डीजे है डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी बनारस है वो पूरी तरह से पालन करते हुए और इस मामले को अगर ऐसे कोई पहलू फंसते हैं तो वो सुप्रीम कोर्ट से इस बात का आज्ञा मांगेगा। अगर कुछ समय चाहिए या कुछ इन्वेस्टिगेशन करना हो तो सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में वो विभांशु आपकी आवाज नहीं आ पा रही है। जी 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 जी
जी विभांशु, ये मामला अब तूल भी पकड़ता जा रहा है, शांति व्यवस्था तो बनी हुई है लेकिन कई ऐसे धार्मिक स्थल हैं जो कि अब निशाने पे आ गए हैं। लेकिन अगर बात करी जाए लखनऊ की, तो लखनऊ तक भी अब आवाजें पहुंचने लग गई है। ज्ञान व्यापी का मुद्दा उठाए तो लखनऊ में भी कुछ धार्मिक स्थल ऐसे हैं जो कि चिन्हित किए जा रहे हैं, उस पर भी दावे वादे किए जा रहे हैं, उसके बारे में भी जानकारी चाहेंगे। जी बेशक, देखें कि ज्ञानवापी के साथ साथ देश भर में जहां भी ऐसे कृत्य है उसके खिलाफ जो हिंदू पक्ष है वो आवाज उठाते हुए नजर आ रहा है। चाहे बात की जाए राजधानी लखनऊ की, चाहे बात की जाए काशी की, तो ऐसे जगहों पे जो हिंदू पक्ष है उसकी तरफ से दलील दी जा रही है और सवाल पूछा जा रहा है कि प्राचीन समय में उनकी तरफ से दलील देकर और सवाल पूछा जा रहा है। साथ ही साथ अगर देखें तो इन दो मामलों के बाद, चाहे बात की जाए तो हाल ही में अभी ताजमहल पे भी याचिका दी गई थी जी। और अभी अगर देखें तो ज्ञानव्यापी मस्जिद पर हिंदू पक्ष की दलील के बाद अब उस पे भी सुनवाई हो रही है। तो कहीं ना कहीं जो हिंदू पक्ष है उसकी जो तमाम सवाल है मंदिरों को लेकर वो उसको उस पर याचिका दायर करके और कोर्ट का दरवाजा खटखटा रहे हैं, क्योंकि अगर उन्हें देखे तो वो इतिहास के पन्नों को कंघाल रहे हैं। अब उन्हें इस तरह का ज्ञान अगर मिल रहा है, कई बार देखे सिखा तो ऐसे मामलों को कोर्ट पूरे पारदर्शिता के साथ और पूरे नॉन बायस तरीके से, क्योंकि कोर्ट जो होता है वो पूरे नियम को पालन करके साथ ही साथ संवैधानिक मूल्यों को पालन करके अपने फैसले को सुनाता है। तो अगर कोर्ट कोई जा रहा है तो उसका हक है, मगर कोर्ट जो है वो तमाम दस्तावेजों को खंगाल कर इतिहास को पन्ने को देखकर और तमाम जो विभांशु, अब ये जो आस्था से जुड़े मामले हैं इस पर राजनीति भी शुरू हो गई है। विपक्ष का कहना है कि इन मुद्दों को जानबूझ के उठाया जा रहा है क्योंकि जो देश में इस वक्त अहम मुद्दे हैं, महंगाई, बेरोजगारी, इनसे जनता का ध्यान हटाया जा सके, तो सरकार को इसमें बीच में लाया जा रहा है। विपक्ष द्वारा कई सवाल किए जा रहे, इसको किस तरह से देखते हैं, इसमें कितनी सच्चाई है, क्या जनता का ध्यान सच में भटक रहा है? अभी राजनीतिक दल, चाहे बात की जाए किसी दल की, वो सभी अपने लाभ में लगे हुए हैं। ये कोर्ट का मामला है और कोर्ट को तय करना है कि क्या है फैसला और किसके पक्ष में जाएगा, और जो जिसके सबूत मजबूत होंगे उसके पक्ष में जाएगा, ये कोर्ट का निर्णय है। बल्कि अगर राजनीतिक दलों की बात करें तो वो कहीं इसमें काम नहीं आ सकते, चाहे पक्ष हो या विपक्ष, कोर्ट के मामला है, कोर्ट देखेगा। मगर अगर देखें तो हाल ही में अगर देखें तो इस साल के अंत में निकाय चुनाव है, साथ ही साथ 2024 का चुनाव है, तो जहां विपक्ष की तरफ से, खासकर समाजवादी पार्टी की तरफ से ये आरोप लगाया जा रहा है कि 2024 के चुनाव को लेकर कहीं ना कहीं जो बीजेपी है वो इसमें धार्मिक मोड़ में लाकर और जो चुनाव है उसे अपने पोलराइज कर रही है धार्मिक एंगल देकर। तो वही अगर देखे तो समाजवादी पार्टी के जो नेता है वो पूरी तरह से अगर देखे तो सेकुलर जो उनका सोच है वो उनके विचारधाराओं में कहीं ना कहीं दिख रहा है और उनके दिए गए बयानों में दिख रहा है। तो अब देखने वाली बात ये होगी कि 2024 और निकाय चुनाव के अंदर में क्या जनता जो राजनीतिक विकास के प्रति पार्टियां लगी है उनको पसंद करती है कि जो पार्टियां विकास, शिक्षा, रोजगार और जो डेवलपमेंट को लेकर लड़ रही है उनको चूज करती है। मगर बात ये है कि अभी जो राजनीतिक दल सत्ता में बैठी है उसे धार्मिक विकास के साथ साथ जो आम नागरिक का विकास है, जो रोजमर्रे की जिंदगी की जरूरत है उसमें भी ध्यान में देते हुए जो बढ़ती महंगाई है, बढ़ता बेरोजगारी है, इन सब विषयों पे जो प्रबल विषय है उस पे भी काम करने की जरूरत है। क्योंकि अगर देखे सिखा तो विपक्ष की तरफ से ये जो सवाल उठाया जा रहा है कि जो तमाम बड़े मुद्दे हैं उसको धार्मिक मोड़ देकर कहीं ना कहीं दबाया जा रहा है, इसमें कहीं ना कहीं जनता का भी यही कहना है कि जो मामला है ये कोर्ट का है और सरकार को जो जनता का विकास करने पर ध्यान देना चाहिए। और साथ ही अगर ये धार्मिक मुद्दों को कोर्ट देखने के लिए है और कोर्ट देखेगा जी, बिल्कुल कोर्ट के फैसले का सम्मान करना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। इस खबर पर मेरे संवाददाता विभांशु मणि त्रिपाठी जुड़े थे लखनऊ से। तो आज कोर्ट अपना फैसला सुना सकता है ज्ञानव्यापी मामले में, और सुनवाई की प्रक्रिया आज तय की जाएगी कि किस मोड़ में या फिर किस ओर मुड़ेगी इस मामले की कार्यवाही। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी।
आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।